तो हेलो दोस्तों, एंसर शेखर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके वीवो आईपीएल के बारे में और सारी पॉइंट्स टेबल के बारे में बताऊँगा, खरे मैचेस के बारे में बताऊँगा। एंड ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो ना भूले, अरे अच्छा सा कमेंट लिख डाले। ठीक है भाई, तो मैं बाद में लाइव स्ट्रीम में स्टार्ट करूँगा कि सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पॉइंट्स टेबल अभी जो अभी डेट है 13 मार्च है। ठीक है, तो मैं 13 मार्च का बता रहा हूँ, मैं आपको खोल के दिखा सकता था लेकिन 13 मार्च डेट है। मैं आपको देखिए, चौदह डेट है आज। ठीक है, तो 14 डेट है आज और उसके हिसाब से मैं पॉइंट टेबल में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं और क्या चल रहा है आज, देखते हैं क्या पॉइंट टेबल में किस किसका मैच और किसको कितना लॉस हो सकता है और कितना पॉइंट टेबल है अभी। ठीक है, तो मैंने कल का मैच देखा था, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डालना है सीधा पॉइंट्स टेबल 2019। ठीक है, मैंने कल देखा तो दिल्ली चौथे नंबर पे थी। जो है दिल्ली के फैंस उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पाँचवे पे अभी भी पंजाबी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, चौथे पे डीसी है, पाँचवें पे पंजाब है। ठीक है, एक बार नीचे से भी खुल नहीं रहा यार, यहाँ से खुल जाए क्या पता। हाँ, यहाँ से मुझे लगता है पूरा टेबल खुलेगा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे। देखिए, आप देख सकते हैं कि आज सीएसके फर्स्ट पर है, जो कि 7 मैचेस में से खेल के 6 जीती है और 1 हारी है, जो कि मुंबई इंडियंस से हारी थी। एंड पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हैं, 12 पॉइंट्स हैं और नेट रेंटिंग भी शायद बहुत ज़्यादा है, सॉरी नेट रेंटिंग भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ बीच में पता नहीं क्या हो गया है, ये पता नहीं क्या हो गया भाई। देखिए, इधर भी पता चल रहा था लेकिन वहाँ पता चल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो अब केकेआर जो है 7 में से 4 जीती है, 3 हारी है, जिसमें से 2 तो दिल्ली से ही हारी है जो आपने देख लिया, और 1 पता नहीं किससे हारी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, तो आरसीबी को 7 में से 1 जीत चुकी है, अच्छा 1 जीत चुकी है अब, और 6 लॉस, मतलब 6 लॉस चुकी है और सारे मैच जीतने हैं अभी इसको, लेकिन ये वो उसको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, उसको सारे मैच जीतने हैं इसको, और जो डीसी है चौथे पे। ठीक है, तो डीसी चौथे पे है। एंड आज मैं आपको मैच दिखाने जा रहा हूँ कि किस किस का मैचेस है। मेरे ख्याल से आज रात को शायद दिल्ली और देखिए ये देख सकते हैं आप, आज है कोलकाता नाइट राइडर्स एंड सुपर किंग्स का, जो कि 4 बजे स्टार्ट होगा। एंड ये है सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कोलकाता और सुपर किंग्स में से दिल्ली का फ़ायदा होता है क्या नहीं। ठीक है, देखते हैं दिल्ली का फ़ायदा होता है क्या इसमें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें दिल्ली का फ़ायदा होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो केकेआर है इस पर, तो इस पर तो कोई उसका फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि केकेआर अगर नीचे भी आ जाती है तो अभी कोई उसमें नहीं है, और सीएसके अगर नीचे आ जाती है तो भी कुछ है ही नहीं। डीसी को जब होगा कि मुंबई इंडियंस जो है नीचे आ जाए, और ठीक है, तो मुंबई इंडियंस अगर नीचे आएगी तो दिल्ली कैपिटल्स आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं उससे अगला मैच था दिल्ली वर्सेज एसआरएच का। ठीक है, दिल्ली वर्सेज एसआरएच है ना, दिल्ली में अच्छा अच्छा तो अब टेबल पे जाते हैं हम। ठीक है, टेबल पे ये लिख रखा है कि डीसी और मुंबई इंडियंस और डीसी और एसआरएच। ठीक है, तो एसआरएच हारेगी तो 7th पे आ जाएगी, और अगर दिल्ली जीतेगी, दिल्ली हारेगी तो 5th पे आ जाएगी। ठीक है, वो फिर 5th नंबर पे आ जाएगी, तो मतलब उसी नेट रेंटिंग पे ही वो रहेंगे, 2 नंबर बढ़ जाएंगी, तो वो 4th पे, एसआरएच 4th पे आ जाएगी अगर मैच जीत गई, और ये 5th पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 7 में से 4 जीती है, 7 में से 4 जीती है, 3 हारी है। ठीक है, तो अभी उसको कितने जीतने हैं, आप सोच सकते हैं कि उसको कितने जीतने हैं अभी, उसको टोटल जीतने हैं अभी 4 मैच और जीतने हैं, क्योंकि 18 मैचेस होते हैं और 18 में से 8 मैच जीतने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अब दिल्ली इसके सबका है, और फिर इसके बाद जो मैच होगा इंडियंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का होगा। ठीक है, और बैंगलोर के लिए मैच जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक मैच होगा। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है आपको, एंड न्यूज़ टेबल इस समय आप क्या देखेंगे, स्टेट्स, डेविड वार्नर सबसे ज़्यादा प्लेयर, डेविड वार्नर, केएल राहुल, क्रिस गेल, एंडरसन, जॉर्ज मेगन, विकेट्स, कैजिस और अबड़ा सब फर्स्ट पर है, 13 विकेट्स लेकर के योजेंद्र चहल, दीपक चाहर, ये सारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सब आप किसी को बता सकते हैं। तो पृथ्वी शॉ 99 पे हैं, जोनी बेसो ने 114 बनाए थे जैसे कि आप जान सकते हैं, क्रिस गेल ने भी 99 नबाद बनाए थे, तो भाई कैजिस और रबाडा अब तक का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जाते हैं
और अब जो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है, अगर आपको अपना दिमाग शार्प करना है, ठीक है, अगर आपको अपना दिमाग शार्प करना है यार, बताते हैं कि हम पढ़ने में अच्छे हो जाएं, ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का नाम है स्टडी म्यूज़िक, ठीक है। ये स्टडी म्यूज़िक है जिसे, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर तक मिल जाएगा। देखिए मैं आपको प्ले स्टोर पर इसको लाऊंगा और बहुत अच्छा है यार ये, मैंने जब देखा स्टडी म्यूज़िक, ठीक है, स्टडी म्यूज़िक ये आपको दिख रहा होगा। एंड क्या एप्लीकेशन चाहिए इसमें, मुझे बहुत अच्छा एप्लीकेशन लगा, इसकी रेटिंग वेटिंग सब दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इंस्टॉल कर रखा है, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब जहाँ पर आपको लिख रहे हैं स्टडी म्यूज़िक 130 रुपये के, 130 रुपये के, 100 रुपये के हैं, 90 रुपीज़ के हैं, 190 रुपीज़ के हैं, लेकिन ये एकदम फ्री है और बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा ऐप है, ठीक है। बगफिक इमेजिन फेस वन इज़ नाउ वर्किंग, तो इसमें वन रेन इज़ वर्किंग हो रहा है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत बढ़िया ऐप है। देखिए 4.5 स्टार्स हैं, 68 किलो व्यूज़ एंड 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, भाई इससे ज़्यादा क्या लोगे। एंड आप देख सकते हैं दिस इज सूर्य ने एक्सेलेंट ऐप डेफिनेटली आई गुड रेट चैट सर वाओ, मतलब सब भी यहाँ पे है और बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जब इसके बारे में बताऊँगा ना, तो इतना बढ़िया ऐप है ये कि आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने डाउनलोड कर रखा है ये, ठीक है। अब इसके बारे में मैं इसको खोलता हूँ और जल्दी बड़ी वीडियो नहीं बनानी है मुझे, जल्दी इसको खोलता हूँ मैं, आपको बता सकता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन भी होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन भी होंगी, ठीक है, 6 मिनट की वीडियो बन चुकी है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब देख सकते हैं, देखिए अगर आपको सुन रहा हो तो आपको कुछ तो सुन रहा होगा, ठीक है। अब मैं पीछे जाता हूँ एंड देख सकते हैं ये सारे के सारे ऑफलाइन है। यहाँ पे आप जिसको ये बटन दिख रहा है ना, ये जो बटन दिख रहा है ना ऑफलाइन वाला, ठीक है, ये ऑफलाइन है और ये सारे ऑनलाइन है, ठीक है। एंड जो उनसे आपको चाहिए आप फॉलो कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ होम का है, यहाँ लाइक का है, आप रेटिंग दे सकते हैं और यहाँ पे सब है, ठीक है। तो ऑनलाइन जाते हैं निकल जाते तो ठीक है, इंटरनेट नीडेड है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इंटरनेट नीडेड है, ठीक है, जो चल रहे हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बढ़िया ऐप है भाई, इसको डाउनलोड करो। एंड क्या ये ऐप है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया ऐप है। तो भाई सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर मेरे आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा।